इसलिए शिव की जो तीन मूर्तियां गाई हुई है उन तीन मूर्तियों के तीन तबके हैं, जो आज भी झंडा के रूप में हमारे भारतवर्ष में जो झंडा है वो यादगार दिखाई गई है। तीन कपड़ों की यादगार, कपड़ा माने वस्त्र, शरीर रूपी तीन वस्त्र हैं जिन्होंने विश्व विजय करके दिखलाई थी। वो तो गाते रहते हैं स्कूलों में, बच्चों से गीत गवाते हैं, उसका अर्थ नहीं जानते। विश्व विजय करके दिखलावे तब हो वे प्रणपूर्ण, हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। कोई कपड़े का झंडा थोड़ी विश्व विजय करता है। दुनिया में इतने झंडे हैं, कोई दुनिया का ऐसा झंडा है जिसने विश्व विजय करके दिखाई हो? लेकिन भारत के झंडे के लिए ये गायन है। माने तीन प्रकार के जो वस्त्र हैं, ऊपर है लाल वस्त्र, बीच में है सफेद वस्त्र और नीचे है हरा वस्त्र। तो ऊपर का जो लाल वस्त्र है दुनिया में क्रांति करने का सूचक है, क्रांति से ही शांति होती है। सब धर्मों में खंडन कर देता है। शंकर का जो तीसरा नेत्र है, दुनिया में जितने भी धर्म के नाम पर अधर्म फैले हुए हैं उन सब का खंडन कर देता है। और ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा शिव ने जो धारणाएं स्थापन की है उनका संवर्धन करता है। माना ब्रह्मा द्वारा जो श्रेष्ठ सृष्टि रची जाती है उसका संवर्धन, सच्चे ब्राह्मणों का संवर्धन, और जो दुष्ट ब्राह्मण है, दुष्ट सृष्टि है, वो सारी सृष्टि का विनाश। धर्म संस्थापनार्थाय, ऐसा गीता में श्लोक आया है ना, विनाशाय च दुष्कृतम्। भगवान किस लिए आता है? धर्म की स्थापना करने के लिए, और दुष्ट कार्य करने वाले जो अधर्मी हैं उनका विनाश करने के लिए।